लोकसभा चुनाव के बीच आज कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की चिट्ठी से यह साफ है कि लवली ने दिल्ली कांग्रेस प्रभारी महासचिव दीपक बाबरिया के साथ अनबन और आम आदमी पार्टी से कांग्रेस के गठबंधन की वजह से पद छोड़ा है। लवली के इस्तीफा देने के बाद संदीप दीक्षित समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता उनके आवास पर पहुंचे। पिछले महीने दो महीने में जिस तरीके से जो बातें मैंने ठीक से उनकी चिट्ठी नहीं पढ़ी पूरी हर पॉइंट पर, तो मैं नहीं कोई प्रतिक्रिया दे पाऊंगा, लेकिन एक व्यक्तिगत पीड़ा है एक कांग्रेस अध्यक्ष होके और एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होके, और मुझे लगता है कि जो बातें उन्होंने कही हैं उनकी पीड़ा, इस पर गंभीरता से ध्यान जरूर देना पड़ेगा। कांग्रेस के आसिफ मोहम्मद खान ने कहा कि ये सारा खेल सुभाष चोपड़ा और लवली ने रामबीर विधूड़ी के साथ मिलकर किया है, इनकी बीजेपी से सेटिंग हो गई है। कौन कर रहा था? लवली जी जा रहे थे, सुभाष चोपड़ा जहाँ माइक लेके आओ, यूसुफ जाते थे, हम तो नहीं जाते, तो माइक लेके आओ ना। दूसरी तरफ बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि आज कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हाई कमान के रवैये से नाराज होकर एक के बाद एक पार्टी छोड़ रहे हैं। फिर से एक बार टुकड़े टुकड़े कांग्रेस का प्रमाण मिला है। कैसे? कांग्रेस के पास देश के लिए कोई मिशन विशन नहीं है, केवल कंफ्यूजन, कॉन्ट्रडिक्शन और डिवीजन है। और इसीलिए आज जिस प्रकार से कांग्रेस के ही नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस के हाईकमांड के रवैये से अपमानित होकर अपना त्याग पत्र दे रहे हैं, बताइए, जिस कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया उसे कांग्रेस हाईकमांड ने माफ कर दिया, गठबंधन दिल्ली में कर दिया, दोस्ती दिल्ली में कर दी, उन्हीं लोगों के साथ जिनको शराब घोटालेबाज कहते थे, उन्हीं लोगों के साथ जिनके सारे किए हुए कामों पर सवाल उठाते थे, और उन्हीं लोगों के साथ जिन्होंने कहा शीला दीक्षित को जेल में डाल देंगे, और पंजाब में इसी आम आदमी पार्टी को कांग्रेस कहती है कि उग्रवादियों के साथ है, ये भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी कहती है कि एक थी कांग्रेस, परंतु जो पंजाब में कुश्ती करते हैं वो दिल्ली में दोस्ती करते हैं। केवल फोटो में नेताओं के मिलने से कार्यकर्ताओं के दिल नहीं मिलते। दिल्ली में कांग्रेस के सियासी हालात पहले ही ठीक नहीं थे, अब लवली के इस्तीफा देने से स्थिति और ज्यादा बिगड़ रही है।